बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर एक बड़ा निशाना साधा, हमला बोला। कांग्रेस सांसद के घर से बरामद कैश पर बीडी शर्मा ने बयान दिया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है, बीडी शर्मा कह रहे हैं। कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है, बीडी शर्मा का ये बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि धीरज साहू के ठिकानों से 210 करोड़ रुपए कैश जो बरामद हुए, साफ है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। झारखंड के कांग्रेस के नेता हैं धीरज साहू, आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी वो तस्वीरें नजर आ रही है जिसमें उनके घर से इनकम टैक्स ने जब रेड मारी तो 210 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। झारखंड के सांसद, कांग्रेस के सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारी समूह के ठिकानों पर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर बुधवार से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 210 करोड़ रुपए अधिक का कैश बरामद हो चुका है और अभी बरामद रुपयों की गिनती चल रही है। देश के अंदर ये कहा जाता है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। इस रेड में देश के कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी होने का अभी तक का ये अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तक का उदाहरण है। इधर झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स की जो छापेमारी है वो जारी है और अब तक 210 करोड़ रुपए कैश यहां से बरामद हो चुके हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी नेता उमाकांत शर्मा ने भी निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। ये सारा पैसा गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। अत्यंत दुख के साथ कहता हूं, कांग्रेस की सरकार स्वतंत्रता के बाद गठित होने के साथ ही भ्रष्टाचार की जवाहरलाल नेहरू जी के समय ही शुरुआत हुई और बढ़ते बढ़ते बहुत गंदी अवस्था में पहुंची। कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी लोगों के साथ खड़ी रहती है। इस पार्टी की यह दशा अब सार्वजनिक हो रही है। धन्यवाद है मोदी जी को और केंद्र की सरकार को और एजेंसियों को।